Everyone, so how are you all of you? I hope all of you are very fine here. So आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये सभी मेरे बहनों के लिए ज्यादा है, इंपॉर्टेंट माताओं के लिए ज्यादा है, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं कुकिंग की. ठीक है, कुकिंग की. और इससे जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जो मेरे सारे भाई बहनों और सभी बच्चों, सभी माताओं, सभी को जरूर 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 मन में कभी ना कभी सवाल आया होगा. और वो सवाल ये है कि भाई कुकिंग करने के लिए, खाना बनाने के लिए वाटर जो है एसेंशियल क्यों है? आप ध्यान से देखिए, आप चाहे कुछ भी बनाओ, आप चाहे राइस बना रहे हो तो भी पानी चाहिए, आप दाल बना रहे हैं तब भी पानी चाहिए, सब्जी बनानी चाहिए तो पानी चाहिए ही, आटा मतलब रोटी बनानी है तब भी आपको वाटर चाहिए ही होगा, मटर पनीर बनाना है, चिकन बनाना है, जो भी बनाना है आपको पानी चाहिए, कॉफी बनानी है, दलिया बनानी है, सेरेलेक बनाना, कुछ भी बनाना है आपको पानी चाहिए. तो क्वेश्चन है भैया, आखिर पानी में ऐसा क्या है, क्यों हम बिना पानी की हम कुकिंग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ट्राई तो करो. तो मैंने लास्ट टाइम ट्राई की थी रोटी बनाने की बिना पानी की, कुछ भी नहीं हुआ, आटा जो है गीली नहीं हुई क्योंकि मैंने पानी ही नहीं डाला, तो आटा बना नहीं तो रोटी भी बनी नहीं, तो मुझे भूखे सोना मना. ओके सोलो, ये तो जोक से पार्ट है. तो पर क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है ना कि हम पानी का क्यों यूज करते हैं. वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं कि हम पानी का क्यों यूज करते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी के लिए जरूरत है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, तो बहुत सारा बॉडी का जो हमारा वाटर रिक्वायरमेंट है ये हमारे फूड से ही पूरा हो जाता है, तो हम पानी बहुत देर तक नहीं पीते तब भी चल जाता है. ठीक है, बहुत सारे रीजन है, बट हम स्पेसिफिक रीजन हम बात करेंगे कि कुकिंग में हम पानी को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, कुकिंग में कुकिंग पर्पज के लिए क्या क्यों हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं. स्पेसिफिक वीडियो है उसी बात पर रहते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा दिखाते हैं. जैसे देखिए पोटैटो है, इसको भी अगर हमें बनाना है, इसका कुछ वेजिटेबल बनाना है तो इसमें पानी डालना पड़ेगा. ठीक है, देखिए मैंने यहाँ मटर फैलाया हुआ है. ठीक है, इसको मैंने मुझे बनाना है तो इसमें भी पानी है और फिर मटर डाल पानी डाल के ही मैं इसे बनानी है, तो आप देख सकते हो. ठीक है, देखिए ये है गार्लिक लहसुन, इसको भी मैं काटूंगा, फिर उसको फिर जो है जब उसमें डालूंगा तो उसमें भी पानी रहता है, ये तो इसमें पानी भी इस्तेमाल करूंगा. तो देखिए सब जगह है. देखिए सबसे पहले कुकिंग समझने के लिए आप समझिए कुकिंग इस्तेमाल क्या होती है. ठीक है, उस कुकिंग में इस्तेमाल होती है एक बर्तन, राइट, जो मेटल का होता है. ठीक है, फिर फूड होता है और फिर पानी, तो तीन चीजें हैं, तो मेरा फोकस जो रहेगा तीन चीजों पर रहेगा. ठीक है, यूटेंसिल यानी जो मेटल का बना होता है, दूसरा फूड जिसको बनाना है, और तीसरा क्या होगा, वाटर होगा. तो वाटर पे हम थोड़ा तो बाद में आएंगे, पर हम एक चीज इससे पहले कि हम आपको आगे हम बताएं कि इसका रीजन समझने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी, और वो इंपॉर्टेंट है कि ये थर्मोडायनेमिक्स होता है, क्लास 11 से स्टार्ट होता है थर्मोडायनेमिक्स, वहां से आप बेहतर समझ सकते हैं. क्लास 7 में भी है पर उससे जो है बात बनेगी नहीं, ठीक है, उतनी नॉलेज से. तो चलिए बात करते हैं कुछ. तो मेटल जो होता है हर बॉडी में हीट एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी होता है, और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट होता है. तो मेटल की अगर हम बात करें कि उसमें कितनी हीट कैपेसिटी होती है, और फूड में कितनी हीट कैपेसिटी होती है, और वाटर जो है हमारे पास, देखिए यहाँ पर पानी है, ये पानी है और इसमें कितनी वाटर कैपेसिटी होती है. ठीक है, पानी में कितनी हीट कैपेसिटी होती है, तो आपको आश्चर्य लगेगा कि मेटल में हीट कैपेसिटी जो है 1 kg, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जितना चाहिए, वो सिर्फ 910 जूल है. और कॉपर में भी, कॉपर में 3 टाइम कम है. ठीक है, और आयरन में तो 470 है, तो काफ़ी लो है इसकी हीट कैपेसिटी. इसके कंपेरिजन भी अगर हम फूड अगर आप देखेंगे जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, बीन्स को देखिएगा तो 3680 जूल है 1 डिग्री, अगर आप टेम्परेचर रेज करने के लिए जितना हीट चाहिए वो ऑलमोस्ट 4000 के अराउंड आ रहा है, 3500 आ रहा है, ये भी 3500 है. चिकन भी देखिए, मीट जो है 2760 है और ये 3350 है, तो ऑलमोस्ट इस तरह आता है. तो इसका आप कैसे देख रहा है, 3500 के बीच रेंज आ रहा है, तो फूड का ये कम है पर इससे तो काफ़ी ज़्यादा है, ऑफकोर्स कैसे 3-4 टाइम ये ज़्यादा है. अब हम बात करें वाटर की, तो वाटर की जो हीट ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी है वो ट्रेमेंडसली बहुत ज़्यादा हाई है. तो वाटर की अगर हम बात करें, वाटर की जो हीट कैपेसिटी है ऑब्जर्व करने की, हीट कितना वो ऑब्जर्व करता है, ठीक है, हीट कैपेसिटी कितनी है, तो आप देखोगे कि हीट कैपेसिटी वाटर की सिग्निफिकेंटली सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट की बात करें तो 4190 जूल है 1 kg को सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए. तो आप ये ध्यान दीजिए, वाटर में हीट कैपेसिटी जो है सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपको काम आएगा, बाकी चीजें अब मैं आपको बताऊंगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो अब ये काम कैसे करेगा, तो चलिए हम लोग कुकिंग करते हैं. कुकिंग के प्रोसेस में हम समझेंगे कि ये चीजें कैसे काम करती है. तो हम लोग जब कुकिंग करेंगे, ओके बच्चों, जब हम कुकिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या करना होता है,
तो हम चलिए कुकिंग प्रोसेस को देखते हैं एक बार, ठीक है। कुकिंग प्रोसेस को हम एक बार लुकआउट करते हैं। तो अगर हम कुकिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक यूटेंसिल लेंगे। तो चलिए मान लीजिए ये हमारा एक यूटेंसिल है, करेक्ट, ठीक है, ये हमारा एक यूटेंसिल है, करेक्ट। अब हम इस पर क्या करना है, हमें इस पर एक गैस लगाना है और इसको हीट करना है। अब ध्यान से देखिएगा, जब इसको हीट किया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, सिंस इसका हीट कैपेसिटी बहुत कम है, तो मान लीजिए कि एल्युमिनियम का है तो इसका आपने देखा कि 910 जूल है, ये कॉपर का है तो उससे भी जल्दी, तो 910 जूल जो है एक केजी के लिए एक डिग्री टेम्परेचर करने के लिए है। और अब बताना है दूसरी चीज, कितना हर एक सेकंड कितनी एनर्जी इसको ट्रांसफर होगी, दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। और जो हर एक सेकंड जो हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है, एक सेकंड जो हीट इसको ट्रांसफर होगी ना, वो है आपका जस्ट 205 एग्जैक्टली, हम बोले एक जूल, 200 जूल, एक डिग्री रेज करने के लिए एक सेकेंड में 205 जूल एनर्जी ये अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ये एल्युमिनियम एवरेज रेट है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं सिर्फ तीन सेकेंड में एक डिग्री टेम्परेचर एल्युमिनियम का रेज हो जाएगा, ठीक है, 3 सेकंड में ही रेज हो जाएगा। और वो भी ये 1 मीटर के लिए है, तो 1 मीटर भी, 1 मीटर का तो मोटा नहीं होता है, बहुत पतला होता है, तो काफी जल्दी ये हॉट हो जाएगा, इट विल बिकम हॉट वेरी क्विकली, ठीक है ना, वेरी क्विकली जो है आपका ये हॉट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंस इसका टेम्परेचर ही एल्युमिनियम का बहुत कम होता है, अराउंड आई थिंक 1200 समथिंग होता है, ओके, अराउंड आई थिंक 20 सेल्सियस, तो काफी जल्दी होगा और ये ही मेल्ट हो जाएगा, तो आपका पोट ही मेल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, आपका जो यूटेंसिल है वो ही मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, वो मेल्ट हो जाएगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि सॉल्यूशंस क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, एक्स्ट्रा हीट है आप उसको क्या करें, एक्स्ट्रा हीट को क्या करें, रिमूव कर दें, ठीक है, एक्स्ट्रा हीट को क्या करना है, रिमूव कर देना है, एक्स्ट्रा हीट को आपको रिमूव कर देना है। तो रिमूव कैसे करोगे, तो आप क्या करोगे, वाटर लाओगे, ठीक है। तो इसमें आप जैसे ही आप जो है, मान लीजिए दूसरा पेन से इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर जैसे ही आप इसमें वाटर पोर आउट करोगे ना, इसमें वाटर पोर आउट करोगे तो जितनी एनर्जी, जितना हीट इसमें ट्रांसफर हो रहा था वो सब बाकी जो है बहुत ही फास्टली हीट जो है उसमें ट्रांसफर होने लगेगा। ट्रांसफर होने से ये कभी भी अपने मेल्टिंग पॉइंट को रीच नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है कुछ पार्ट उस तरफ भी वाटर में भी अब्जॉर्ब कर ले रहा है, और इससे क्या होगा, आपका यूटेंसिल सेफ रहेगा, ठीक है। तो ये तो एक रीजन है कि वाटर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, दिस इज द फर्स्ट रीजन, ठीक है। फर्स्ट रीजन जो है आपका, रीजन यही है कि पोर्ट को क्या करना है, सेफ करना है। आई होप ये पार्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि जनरल साइंस का कॉन्सेप्ट है और मैं सभी को ध्यान में रख के बना रहा हूँ, ठीक है। अब हम दूसरा आते हैं फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जस्ट सपोज आउट करना यहाँ पर कि बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास जो है ये यूटेंसिल है, ठीक है, और अभी आप वाटर को फिर से थोड़ी देर के लिए क्या करना है, वाटर को भी भूल जाना है, ठीक है ना, वाटर को भूल जाइए। और सपोज करिए कि हमने यहाँ पर, ये हमारे पास गैस है और हमने इसको हीटेड करना शुरू किया, और अब हम इसमें क्या करते हैं, अपने वेजिटेबल्स या जो भी है फूड, पानी नहीं डालेंगे, ठीक है, पानी नहीं डालेंगे और जस्ट ऐसे ही हम इसको हीट आउट करेंगे। तब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी या क्या सीन देखने को मिलेगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो एक बार देखिए हो गया, तो अब इसमें क्या होगा, जब हम इसमें हीट पास आउट करेंगे तो ये तो काफी क्विकली हॉट हो जाएगा, ठीक है, हॉट हो जाएगा, इट विल बिकम हॉट वेरी फास्ट, राइट, वेरी वेरी फास्ट। तो ये मेल्ट हो सकता है, एक तो रिस्क मैंने आपको बताया था मेल्ट हो सकता है, ठीक है। तो सेकेंड, अभी इसको इग्नोर कर दें, 2 मिनट के लिए इसको इग्नोर कर दीजिए, अभी इस पार्ट को आप इग्नोर भी कर दीजिए, आप सिर्फ फूड पे ध्यान दीजिए। फूड का क्या होगा, फूड के बारे में जैसे बताया कि इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है आपका कह सकते हैं 200 से 305 जो है जूल होता है एक केजी को एक डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब दूसरा बात क्या है वो देखिए ध्यान से। तो सिंस इसका हीट कैपेसिटी ये है तो ये जल्दी ही ये भी हीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो हीट होना था तो हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है वो देखिए इसमें, ये सिंस फूड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है बच्चों, फूड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो इसमें जो रिएक्शन चाहिए होता है, इसमें जो रिएक्शंस होता है, ठीक है ना, फूड में भी रिएक्शन होगा, ठीक है। अब जब राइस कच्चा होता है, राइस पक जाता है, तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो पकता है, ठीक है। तो जो रिएक्शन होने के लिए जो टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। टेम्परेचर शुड बी वेरी नॉर्मल, आई थिंक 40 डिग्री अराउंड या 250 डिग्री अराउंड ही आपका टेम्परेचर होता है, इससे ज्यादा बहुत टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। और तो
जो एनर्जी है, यानी कि एनर्जी टेम्परेचर दिस शुड बी दिस जगह, और एनर्जी जो है बच्चों, एनर्जी आई थिंक एनर्जी इज ऑल्सो वेरी रिक्वायर्ड, इज वेरी लो. सो सिंस यहाँ टेम्परे सो बहुत लो एनर्जी है, बट यहाँ पर आप रेपिड फास्ट हीटिंग से क्या होगा, यहाँ एनर्जी बहुत हाई है. यहाँ पर एनर्जी क्या है, वेरी वेरी हाई है. हाई एनर्जी होने की वजह से जो है आपका रिएक्शन जो काफ़ी रैपिड होगा, और रैपिड होने से जो है फूड, पहले जो फूड है वो आपका कुक तो होगा, फिर कुक होने के बाद टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं है. सिंस टेम्परेचर कंट्रोल में है, नॉट इन कंट्रोल, टेम्परेचर नॉट इन कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल में है नहीं, टेम्परेचर जो है कंट्रोल में नहीं है, तो क्या होगा, ये आगे जो है आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो है ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, मेनली ब्लैक हो जाएगा, यानी बर्न हो जाएगा, ठीक है. और इसमें जितने भी न्यूट्रिशंस हैं, न्यूट्रिशंस जो है इसमें जितने भी न्यूट्रिशंस हैं, जो भी है न्यूट्रिशन, वो सभी क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है. तो आपको जो है फूड का कोई फायदा नहीं होगा, सभी क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है, काफ़ी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा. तो आप जब तो आप सोल्यूशन क्या है कि जब आप इसमें वाटर ऐड करोगे, ओके, वेन यू एड वाटर, जब आप इसमें वाटर ऐड करोगे, ठीक ना, जब आप इसमें वाटर ऐड करेंगे ना, फिर से देख लेते हैं. तो हम जैसे ही फूड में वाटर ऐड करेंगे, जैसे ही हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, तो हम जैसे ही इसमें वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही आप फूड में वाटर ऐड करोगे, ठीक है, फूड में वाटर ऐड करोगे यहाँ पर, और फिर आप इसको हीट करोगे, तो अब देखिए चीज़ें, सीनरी चीज़ें, सीन जो है काफ़ी बदल जाएगा. अब काफ़ी आराम से जो है हीट, जब हीट में से फ्लो होगा, अब देखिए क्या हो रहा है, हीट का वेरी स्मॉल फ्रैक्शन जो पार्ट है वो इसमें जा रहा है, वेरी स्मॉल पार्ट, राइट, स्मॉल हीट इसमें जा रहा है, तो ये मेल्ट भी नहीं हो रहा है, नॉट मेल्ट हो रहा है, ठीक है, मेल्ट भी नहीं हो रहा है, ठीक है. दूसरा, आप जो है वाटर जो है वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, ओके, लॉट्स ऑफ हीट को क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, काफी सारा हीट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है. और फूड को, और जो है हीट को क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, हीट को क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, हीट को सर्कुलेट कर रहा है, सर्कुलेट हीट, हीट को क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है. सो इक्वल टेम्परेचर, इक्वल जो है टेम्परेचर जो है, ठीक है, थ्रू आउट द फूड जाता है, ठीक है. सो टेम्परेचर यहाँ पे कंट्रोल में रहता है, ठीक है, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है, ठीक है, कंट्रोल में रहता है. और जो एनर्जी है मेंटेन रहती है, एनर्जी जो रिएक्शन के लिए चाहिए, एनर्जी फॉर जो, फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मेंटेन रहती है, ठीक है ना, एक्सीड नहीं होती है, वो मेंटेन रहती है. वो मेंटेन रहने की वजह से जो है कुकिंग, जो फूड है, फूड जो है जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोसेस तक है उतना ही तक कुक होता है, आगे नहीं जाता है, ठीक है, नो फर्दर बर्निंग, बर्न नहीं होता है, ठीक है. और अगर अगर आपको कोई हार्ड फूड को कुक करना है, ठीक है, हार्ड फूड जैसे कि मान लीजिए राजमा है और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तब आप क्या करोगे, तब इस कुकर को क्या करना है, उसको कवर कर देना है ऊपर से, ठीक है. जब आप कवर कर देंगे तो यह आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप अगर कवर कर देंगे तो वाटर क्या होगा, धीरे धीरे वेपराइज होगा, ठीक है, धीरे धीरे वाटर क्या होगा, वेपराइज होगा. तो वाटर जब है धीरे धीरे आपका वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, वाटर जो है धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होगा. और अब कुछ फिजिक्स ये है यहाँ पर कि अगर आप सिंस यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल है, और ये कांस्टेंट है, ठीक है. तो इसमें खास बात क्या है कि अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा, बिकॉज ज़्यादा ज़्यादा पार्टिकल आपके वेपर स्ट्रीम में जाएंगे, उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, धीरे धीरे को फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा. तो प्रेशर बहुत हाई होगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा. टेम्परेचर हाई होने से जो कुकिंग फूड का टेम्परेचर हाई हो जाएगा और इससे जो है हार्ड फूड भी आपका कुक हो जाएगा, ठीक है. तो मेन रीजन जो है, अगर हम समरी करें कि समरी क्या थी, तो फर्स्ट आप कह सकते हैं, फर्स्ट जो है आपके यूटेंसिल जो है, यूटेंसिल्स को सेफ रखता है, ठीक है, उसको सेफ रखता है, यानी सेफ किससे रखता है, मेल्ट नहीं होने देता है, नॉट टू मेल्ट, उसको मेल्ट नहीं होने देता है, अगर हम नटसेल में कहें. और दूसरा अगर रीजन बात करें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर प्रोवाइड जो करता है, प्रोवाइड द नीडेड टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर मीन्स एनर्जी फॉर फूड रिएक्शन, ठीक है ना, फूड
reaction, okay, and not let it to burn, उसको burn नहीं होने देता है, ठीक है। और थर्ड नंबर, अगर आपको हार्ड कुकिंग करनी है, अगर आपको हार्ड कुकिंग करनी है तो आप क्या करना है, आपको जस्ट सिंपली उसको क्या करना है, उसको बंद कर देना है, ठीक है, बंद कर देना है। जैसे यहाँ पे आपने बंद कर दिया तो क्या होगा, प्रेशर हाई हो जाएगा, तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा, तो एनर्जी ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा, और उससे हार्ड फूड भी कुक हो जाएगा, ठीक है ना, इससे हार्ड फूड भी आपका कुक हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन रीज़न है कि हम सारी चीज़ों में जो है फूड को क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद तो है आपको समझ में आया होगा कि पहला तो है यूटेंसिल को सेफ रखना है, दूसरा जो टेम्परेचर है, केमिकल रिएक्शन जो चलेगा उस फूड के अंदर, जैसे पोटैटो है या राइस है, उसके लिए जो सफिशियंट एनर्जी चाहिए उसको प्रोवाइड करना है, और तीसरा जो है हाई टेम्परेचर है, तो प्रेशर को भी हम मेनटेन कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। यानी हम जो है कुकिंग को जो है हम स्पीड कर सकते हैं, राइट, स्पीड अप कर सकते हैं या स्पीड डाउन कर सकते हैं, ओके। दैट्स वाई आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो खुश रहिए, हंसते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।